हाय बच्चा, गुड आफ्टरनून बच्चों, सब मुझे देख पा रहे हैं। चले स्टार्ट करते हैं क्लास। और मेरे ख्याल से आवाज़ साउंड इज़ क्लियर और आप सब आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे जानते हैं, कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना, आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है कि विकास पाराशर मेरा नाम है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथ्स। और कुछ बच्चे पुराने हैं, सब आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो चलो इसको शेयर करें। हमने नया एक चैनल भी लॉन्च किया है एग्जामपुर का, एसएससी सीजीएल स्पेशल। तो आज जो ये क्लास है, ये इट इज़ अ इंट्रोडक्शन क्लास, बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास है। मैं इसमें एक टॉपिक लूँगा और मैं आपको पढ़ाऊँगा, और फिर उससे पहले मैं बताता हूँ कि मैथ्स को कैसे हैंडल करना है। ओके, तो ठीक है, ये डिमांड थी और इसलिए मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल मैथ्स के बारे में सारी बातें आपको मैं बताऊँगा कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप मुझे बस एक बार बस ये बता दो कि साउंड इज़ क्लियर और नॉट। साउंड क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपकी चैटिंग देख रहा हूँ, सब आपके चैट देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चा बच्चा, वैसे ये जो क्लास है, ये मेरा फोकस क्या है, एसएससी सीजीएल Tier 1 और CHSL Tier 1 पर। मेरी मैं है ना, बड़े बड़े लोग कहते हैं और टॉपर्स भी कहते हैं, आपने देखा कि मैं भी टॉपर हूँ HL में, ER, अच्छा ऊपर लिखना रह गया, EIR सेकेंड रैंकर हूँ मैं, DRDO निकाला है, ISRO निकाला है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनको करने पर बाकी सारे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है, जैसे CGL, CHSL है ना, CPO, ये सब इनका तीनों का एक ही सिलेबस है ना, एक ही तरह का पैटर्न आता है। हार्ड भी कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। तो ये तीनों एग्ज़ाम अगर आपने की कर लिया या इनकी तैयारी कर ली तो सब हो जाएंगे, ठीक है। अब सिलेबस आप देखो, किसी में एडवांस में से आती है, किसी में नहीं आता। अच्छा, ये तीनों एग्ज़ाम जो हैं, इनमें अर्थमेटिक एंड एडवांस में दोनों अच्छी खासी आती है। ओके, हाँ जी बच्चा, मनीषा वर्मा, टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें सिर्फ एक ही टाइप बचा था कॉन्ट्रैक्टर वाला, और आज मुझे अभी मैसेज मिला कि आप सबसे पहले नया बैच स्टार्ट करना है, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, UPSI हमने लॉन्च किया है, वो आपके सामने है और वो आपको दिख रहा है कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ और फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ्स तो कैसे पढ़ना है, ओके। पर उसके लिए आप एक काम कीजिए, हमारा एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड करो, उस पर आपको सारी कोर्सेज की PDF और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आवाज़ थोड़ी धीरे सुनाई दे रही है, तो चलिए मैं तेज़ बोलता हूँ, एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बच्चा, चलिए पीछे से सरसर की आवाज़ आ रही है, आ रही है सरसर की आवाज़ आ रही है, तो मुझे उसके लिए पंखा बंद करना पड़ेगा। अभी कर देते हैं पंखा बंद, ओके। अभी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं जयपुर आया हूँ अपने होम टाउन, और इसलिए कुछ बच्चे नहीं जानते, तो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मैं स्लाइड से पढ़ाऊँगा जब तक मैं डेली नहीं आता। तो ये जो आपका एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप है, इसको डाउनलोड करने के बाद अब आज हम बात करते हैं कि भाई मैथ्स की तैयारी में कोई कमी नहीं रखना है बस, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरा बच्चा जो आपको रैंक दिलवाएगा। सिर्फ मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक दिलवाने वाला है, ठीक है। तो हम मैथ्स की तैयारी में कोई कमी नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं, मैं इस पंखे को आज मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला इस रूम में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार मैं पंखे को बंद करता हूँ जिससे आपका आवाज़ सही आ जाए। ठीक है, तो मैथ्स की तैयारी में कोई कमी नहीं करना है। आप अब मैथ्स की तैयारी करें कैसे, अब मैथ्स की तैयारी करें कैसे वो हम देखते हैं, ओके। अच्छा, मैथ्स की जब भी मैं बात करता हूँ, ठीक है, अरे वाह क्या बात है, तो सबसे पहले बात आती है कि मैथ्स में कैलकुलेशन वाला पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। अब आवाज़ क्लियर है, अब आवाज़ क्लियर है। जैक विल्सन मेरा बच्चा, हाँ गुरुदेव जी, CPO के बिल्कुल बेनिफिशियल होगी बच्चा, पूरी क्लास CPO के लिए बेनिफिशियल होगी आज। बिल्कुल हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास लेंगे, कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, गणना वाला, है ना, कैलकुलेशन वाला, ठीक है। दूसरी बात है, आपका 100% मैथ्स पढ़नी पड़ेगी आपको, 100% मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, तब जाके मजा आएगा। छोड़ना नहीं है, छोड़ा मतलब गया, अब आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में बैठा हूँ 18 साल से। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी पेपर में कुछ टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी के नहीं आते। अब देखो एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे CGL में कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं आते थे, और 2 साल पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन्होंने क्वेश्चन देना स्टार्ट किया तो
तो बस उसी गाने लग गए। सीजीएल में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के सी साइंस सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले नहीं आते थे। 2018 से चालू किया तो उसके बाद से चालू हो गया। तो छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ना पूरी मैथ्स है, 100% मैथ्स। और उसको कौन पढ़ाएगा? विकास सर। विकास सर आपको पढ़ाएंगे 100% मैथ्स। आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो एक्स साइंटिस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि विश्वास करो, फेथ करो कि हम अलग मैथ्स पढ़ेंगे। मैं आपको जो मैथ्स पढ़ाऊंगा वो होगी इंडिया में नंबर वन टाइप वाइज मैथ्स, टाइप वाइज मैथ्स। अच्छा, कई बार लोगों के डाउट होते हैं कि सर टाइप वाइज मैथ्स पढ़ने से हम उसी टाइप से मैथ्स करते हैं फिर बाकी कैसे, वहाँ तो रैंडम क्वेश्चन आएंगे तब कैसे करेंगे, तो वो डाउट सब बकवास है। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ डाउट पर, ध्यान रखो। कैलकुलेशन, अच्छा देखो कैलकुलेशन में भी लोगों ने बेकू बना रखा है ना। लोग कैलकुलेशन के नाम पे आपको बोलते हैं कि वैदिक मैथ्स को रटो, बहुत जरूरी है वैदिक मैथ्स, कोई जरूरत नहीं है वैदिक मैथ्स की। वैदिक मैथ्स में पढ़ाऊंगा जितना काम का है, कोई कोई रटने की जरूरत नहीं है। कोई आपके एग्जाम में, अब वैदिक मैथ्स बहुत जादू होता है वो तो मुझे पता है। जैसे मैं मुझे इसका मुझे चाहिए कि इसका स्क्वायर निकालना है, ये वैदिक मैथ्स बहुत जादू होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे सर 9 9 9 9 और इसमें से गया 2 गया 0 0 0 6। देखो जादू बच्चों, जादू, इसका आंसर ये आ गया। आप करके देखना कैलकुलेटर से, ये आंसर आएगा। बट क्या कभी एग्जाम में इस तरह की जरूरत पड़ेगी? हाँ, बाई चांस पड़ गई तो पड़ गई तो पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि वैदिक मैथ्स में आपको 7 दिन तक पढ़ाता रहूँ। वैदिक मैथ्स नहीं, कैलकुलेशन कौन सी चाहिए आपको? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चाहिए टेबल याद करो, वो याद कर लो। टेबल पूरे याद होना चाहिए, 30 तक मिनिमम होनी चाहिए, और 40 तक उसके ज़्यादा आप कर सकते हो अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो। टेबल बस याद करना है। दूसरा, आपको सारे स्क्वायर याद करना है, स्क्वायर क्या होते हैं वो याद करने, कहाँ तक? 20 तक याद कर लो, 20 तक स्क्वायर याद कर लो। और तीसरा क्यूब याद कर लो, क्यूब में ज़्यादा नहीं, 10 तक याद कर लो चाहे। तो ये कैलकुलेशन वाला मतलब ये नहीं है, कैलकुलेशन मतलब आप इसको ट्राई करो ओरल करने की, हर कैलकुलेशन को ऑरल करने की ट्राई करो। अब मैंने आपको बोल दिया कि मेरा बच्चा आपको करना है 32 को मल्टीप्लाई करना है 58 से। अब आपने कहा सर इसको ऑरल कैसे करेंगे? अब आपको पता है 32 मतलब 30, तो 30 + 2 हुआ नहीं हुआ? तो थोड़ा ट्राई करो कि अच्छा सा 30 से करने, 3 3 4 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
ट्राई करो अपनी जो भी कैलकुलेशन है उसको जीरो के नज़दीक लाने की ट्राई करो, और ओरल ट्राई करो जितना हो सके, ओरल ट्राई करो। हाँ जी बच्चा शिवम सिंह, टाइम एंड वर्क बच्चा पूरा खत्म हो गया, बस उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर वाला एक क्वेश्चन बचा है जिसको मैं आपको सैटरडे को बॉल वाला क्वेश्चन भी करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन भी करवाना है, तो मैं सैटरडे को ये दो तीन क्वेश्चन आपको ले लूँगा, क्योंकि आज मुझे क्लास वन स्टार्ट करनी है। बहुत से बच्चे आज पहली बार आए हैं, मुझे फर्स्ट क्लास स्टार्ट करनी थी, आज मैं रेशियो चैप्टर से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल पहली क्लास, ठीक है। टाइम एंड वर्क सिर्फ एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, वो मैं सैटरडे को स्पेशल क्लास लेकर करूंगा कंप्लीट, ओके। जैक विल्सन सर, बच्चा मैं परिवर्तन बैच में पढ़ाता हूँ और टीयर टू में पढ़ाता हूँ। अच्छा अब देखो, कैलकुलेशन 100% मैथ सीखनी पड़ेगी, और हम पढ़ेंगे टाइप वाइज मैथ बहुत ज़बरदस्त, इतनी एक भी नहीं छोड़ेंगे, हर एग्जाम निकलेगा इससे, हर एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस एंड रिविजन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने पढ़ तो लिया पर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी और रिविजन, जैसे आज मैं अपना परिवर्तन बैच में पढ़ा रहा था, आज इन बच्चों ने मेरा ना दिमाग ख़राब कर दिया, मतलब मैंने इनको ट्रिग्नोमेट्री इतना प्यार से पढ़ाया, 14 डेज तक मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता रहा, महीने का आधा महीने तक तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, अब सोचो 4 महीने का कोर्स है उसमें मैंने आधा, 6 महीने का कोर्स है उसमें मैंने आधा महीना तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, और चैप्टर कितने हैं अभी आपको पता चलेगा, पूरे 30 31 चैप्टर हैं, तो उसके बाद भी बिना रिविजन के ये बच्चे क्या बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो इस दिमाग खराब हो गया, फिर मैंने बताया बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है। तो इसलिए ये रिविजन वाला पोर्शन अगर आपने नहीं किया, पुनीत बच्चा बिल्कुल यू कैन स्टडी फॉर सीपीओ, डेफिनेटली पूरा का पूरा सीपीओ आएगा इसमें से, है ना। डीआई भी करवा दो, डीआई कराएंगे पूरा का पूरा, आप पहले ये चैप्टर पढ़ो मुझसे, आज नया चैप्टर है बिल्कुल, रेशियो चैप्टर आज पढ़ेंगे मैं से बिल्कुल नए ढंग से, रेशियो चैप्टर उसकी बैंड बजा देंगे, हर एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का हो या लेखपाल का हो या सीपीओ का हो या सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो या टीयर वन हो या टीयर टू हो या कैट हो, सब कर डालेंगे, बस जय श्री कृष्णा राधे राधे और जय महाकाल बोल के स्टार्ट कर देना। देखो बैंड तो बजाएंगे, बट उसके लिए देखो ये टेबल याद करके लाना, है ना। अगली क्लास में आप ये क्या करना, मैंने आपके लिए टेबल भी लिख दिया, और मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल का क्या स्क्रीनशॉट लेना वो सबको पता है, अगर आपको याद नहीं हो तो याद करो, पूरा ऐसे लिखो एक पेपर में, उसका प्रिंट आउट ले लो या कागज कागज में लिख लो उसको, और आज ही उसको चिपका दो अपने
टेबल के सामने, जहां पढ़ते हो आप, पलंग पे पढ़ते हो कोई बात नहीं, पलंग के सामने चिपका दो, जब भी पढ़ने बैठो पहले एक बार रीड कर लो उसके बाद पढ़ना, वैसे टेबल बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये करना है, फिर स्क्वायर याद करोगे, 30 तक के स्क्वायर याद करके आना है आपको, 30 तक के स्क्वायर याद करके आना है। देखो कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी, 30 तक के स्क्वायर याद करो और क्यूब याद करो 20 तक के। तो ये चीज़ें आप पहले लिख लो अपनी कॉपी में, इन सब को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप एक कागज़ में लिखकर अपने चिपका देना टेबल के सामने, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चा, चलो बताओ कोई डाउट है यहाँ तक, मैसेज टू डी करा दो प्लीज़ सर। बच्चा सभी करवाएंगे, टाइम वर्क नहीं हुआ सर प्रतिभा, टाइम एंड वर्क मैंने पूरा करवा दिया, बस एक टाइप बचा है कॉन्टेक्ट वाला, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ट्राई टू सॉल्व कैलकुलेशन ओरल, सबसे पहला फंडा धीरे धीरे मैथ्स का डर हटाने के लिए अपनी कैलकुलेशन को ओरल ट्राई करना है सॉल्व करने की। सर हम लोग उस चैनल पे आपका वेट करें, बिल्कुल बच्चा, आज एक्चुअली नया चैनल हमने स्टार्ट किया है इसलिए बच्चा मुझे, हाँ बच्चा मैं आप ओके, हम लोग उस चैनल पे आपका वेट करें, ठीक है बच्चा मैं मिलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, है ना। चलो वेरी गुड, क्यों नहीं, क्लास चल रही है, वेरी गुड। चलो आ गया, और कोई डाउट है किसी को, नहीं डाउट है, ठीक है। दूसरा मैक शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने सभी टाइप के, क्योंकि पढ़ तो लिया पर उसको याद कैसे करोगे, कितना बड़ा सिलेबस याद कैसे करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है टॉपर्स ऐसे बनते हैं, ये शॉर्ट नोट्स बनाना सीख गए तो मज़ा आ जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स बनाना है मैथ्स के, मैं बताऊँगा आपको कैसे बनाना है, वैसे कई बार बता चुका हूँ। दूसरा मैक कैलकुलेशन ऑफ गुड क्वेश्चन इन शॉर्ट मैनर, मैक कलेक्शन करना है, जो भी अच्छे क्वेश्चन है उसका कलेक्शन करना है शॉर्ट में लिखकर उसको, ये क्योंकि ये कलेक्शन होगा। देखो मैथ्स तो इतनी वास्ट है, और खासकर जो बच्चे जिनकी बेसिक क्लियर नहीं है उन बच्चों को मैथ्स कैसे आएगी, तो वो क्या करेंगे, सर जो भी हार्ड क्वेश्चन आएगा उसको हम अलग कॉपी में लिखेंगे, मेरे साथ में लिखाऊंगा आपको, जैसे मैं पढ़ाऊंगा बोलूंगा बच्चा ये क्वेश्चन अपनी कॉपी नंबर 1 में लिखो। देखो कॉपी नंबर 1 क्या होगी, जिसमें शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप जो मैंने पढ़ा रहा हूं उसका, और कॉपी नंबर 2 क्या होगी, जिसमें रैंडम क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और टेस्ट योर माइंड एबिलिटी बाय रैंडम क्वेश्चन, और ये कैसे करोगे, रैंडम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, किससे, प्रीवियस ईयर करना है, बस फिलहाल सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करना है, उसके बाद हम कोई बुक को करेंगे सॉल्व, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत जबरदस्त, ये सब आप ध्यान रखें, बिल्कुल सारे चैप्टर कराएंगे, ये क्लास जीरो से स्टार्ट हो रही है, और मेरा मानना है जीरो से एक ही चैप्टर सबसे पढ़ना चाहिए, उसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप कि इस अर्थमेटिक, इसमें मैथ्स में दो पार्ट होते हैं, एक तो अर्थमेटिक और एक एडवांस, ठीक है, सामने दिख रहा है सबको, पूरी करवाऊंगा बच्चा, सब कंप्लीट होगा, इसमें हो सका तो हम क्लास बढ़ा दी भी देंगे, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, सबसे पहले मिक्सचर, देखो अर्थमेटिक में आता है मिक्सचर, बिल्कुल आता है आप सबको, और इसमें आता है एलिगेशन, और आता है परसेंटेज, ये सब लिखो, आता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आता है डिस्काउंट, आता है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, कार्य भुगतान, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी बच्चा, चलिए एक सेकंड में अपना, हाँ मुझे बताओ प्लीज़, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। और इसमें आता है बच्चा, और इसमें क्या आता है, ठीक है, ये इसका बोट एंड स्ट्रीम आता है, और इसमें रेसेस आता है, साधन ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा मेरे पीछे भी कुछ छुप गया है क्या, तो मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, दिख रहा है ना पीछे सिर्फ एक ही छुपा हुआ है, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, तो ये देखो अब आप देखो कितना मज़ेदार, वाओ इट्स सो इंटरेस्टिंग, हर एग्जाम निकलेगा मैं बता रहा हूँ। अब आप देखो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें मतलब एक चैप्टर दो चैप्टर पूरा अगर बीच में छोटे छोटे टॉपिक तो होते ही हैं, वो अलग बात है, मैं टाइप वाइज पूरा पढ़ाता हूँ वो अलग बात है, पर देखा जाए तो देखो ये 6 चैप्टर, 7th एंड 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 चैप्टर का अर्थमेटिक है, पूरे 17 चैप्टर है। बीच में कोई छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आता है ट्रू डिस्काउंट, वो अलग बात है ना, वो बहुत छोटे टॉपिक है, उससे रिलेटेड है, तो इसमें टोटल 17 चैप्टर आपको मिलेंगे। हाँ बच्चा अभी रुक तो जाओ पहले, अभी करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक रह गया 18 LCM SAP रह गया था अपना, नीचे देखो दिखा आपको LCM SAP चैप्टर भी है, ठीक है। यहाँ पे पूरे कवर होंगे, मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन को इसमें नहीं लिखा, उसको मैं एडवांस में लिख देता हूँ, क्योंकि उसमें बस अलग है, वो दो तीन चैप्टर का मिक्स आता है, ठीक है। अर्थमेटिक के हम 18 चैप्टर मान के कर सकते हैं। अच्छा
पर अर्थमेटिक के जो दिख रहे हैं आपको 18 चैप्टर, वो 18 नहीं है, देखो कितना प्यारा, ये है मेरी स्टाइल, ये है ग्रुप। सुनो ध्यान से सुनो, अर्थमेटिक के जो चैप्टर हैं इसको अगर ध्यान से देखा जाएगा तो आपको इसमें कुछ सिलेक्टेड ग्रुप मिलेंगे, है ना। जैसे ये पहला ग्रुप है मिक्सचर एलिगेशन, मेरा मानना है कि ये रेशो को वाला ग्रुप है, मिक्सचर एलिगेशन और रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला ग्रुप एक होता है, पर चलो ठीक है मैंने इसमें अलग लिख दिया, रेशो प्रोपोर्शन और एजेज वाला, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। ये पहला ग्रुप है, इस सब में पूरा रेशो की बात होती है। पहला ग्रुप देखो, पूरी मैथ्स का पहला ग्रुप क्या है, ये दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर का पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या है, परसेंटेज वाला ग्रुप है। ग्रुप फाइव मतलब इन सब में एक जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो ये दूसरा टाइप का है, इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ये दूसरा ग्रुप है। आपको ऐसे डरा रखा है कि ज़्यादा चैप्टर है, कोई 18 चैप्टर नहीं है, देखो दो ग्रुप तो ये हो गया, है ना। तीसरा ग्रुप क्या हुआ, टाइम एंड वर्क का, बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसे ही पाइपिंग सिस्टम एंड वर्किंग वेजेस में आता है, ये सब एक जैसे हैं, तो ये आपका तीसरा ग्रुप हो गया मैथ्स में, ये तीसरा ग्रुप हो गया। ग्रुप वाइज पढ़ना है, ठीक है। और फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस का ग्रुप, देखो टाइम डिस्टेंस बॉर्डिंग सिस्टम रेसिस, अरे यार कहाँ गया बच्चों, ओके तो ये इसमें ये तीसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। ये चौथा ग्रुप हो गया, चौथा ग्रुप। और पांचवा ग्रुप क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे देखा जाए तो इसमें परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगता है, पांचवा ग्रुप। और फिर एवरेज को ले लो छठा, और एलसीएम ऐसे वैसे ही काम का भी नहीं है, बट ठीक है वो नंबर सिस्टम में भी हम पढ़ लेते हैं कई बार। तो छह ग्रुप है मोटे मोटे जो आपको पढ़ना है ना बच्चा, छह ग्रुप है जो आपको पढ़ने हैं अर्थमेटिक में, बस इसके बाहर नहीं जाएगा, जो बताया वही पढ़ लो, बस छह ग्रुप पढ़ने हैं। चलो आ रहे हैं, हाँ जी बच्चा, हाँ जी बच्चा, सर ये तो गलत बात हुई, हम वहाँ वेट कर रहे हैं, अरे क्लास बंद तो करवा दी थी, क्यों वेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब एडवांस मैथ्स देखो, ये है पिताजी, एडवांस मैथ्स पिताजी, और इसी के कारण यहाँ पे हम जैसे टीचर धमाका कर रहे हैं, इंजीनियर होने का कारण धमाका नहीं कर रहे, डिटेल में पढ़ाने वाले टीचर धमाका कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस मैथ्स के हर कोई थोड़ी पढ़ा लेगा भाई। एडवांस मैथ्स में क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री, वाओ, और क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटर, पॉलीगन, इंडिसेस, एल्जेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, ये देखो ये है एडवांस मैथ्स, ठीक है। अब एडवांस मैथ्स उसके तो 18, और एडवांस मैथ्स में भी थोड़े अंदर तो छोटे मोटे टॉपिक तो और भी अंदर होते हैं, तो देखा जाए तो कितना है, 1, 2, 3, 4 स्क्रीनशॉट लो, 5, 6, 7 सब स्क्रीनशॉट ले लो, 8, 9, 10 मैंने उसको ले लिया इसमें, 11, 12 और 13 बाय गॉड। अब देखो 18 प्लस 13, ये आपके पूरे चैप्टर हैं पूरी मैथ में, 8, 9, 10, 11, 31 चैप्टर बच्चा, 31 चैप्टर की पूरी मैथ है। अब ये 31 चैप्टर में हमने देखा कि अर्थमेटिक के सर ग्रुप पढ़ लो ना सर, ग्रुप छह ग्रुप है। अब देखो एडवांस का ग्रुप दिखाऊं, देखो एडवांस का ग्रुप दिखाता हूँ मैं, ये एडवांस का ग्रुप है, देखो एडवांस में ये पहला ग्रुप है जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त हम पढ़ेंगे, मैं जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, नया बैच लॉन्च करता हूँ, तो उसमें क्वेश्चन नए होंगे। आपने अगर मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो अभी तक जो साल आए उसमें और नए क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा। पहला दूसरा ग्रुप क्या है देख लो, ये दूसरा ग्रुप है आपका, ये वाला, ये दूसरा ग्रुप है, ये पूरा ज्योमेट्री कराता है, ये दूसरा ग्रुप, देखो कितने सारे चैप्टर आते हैं, पूरा ज्योमेट्री है, तो ये एक जैसा है, इसमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, छोटी छोटी बातें सीखनी है, ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप क्या है, एल्जेब्रा इंडस्ट्रीसर, ये तीसरा ग्रुप है, देखो ये तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। अच्छा ये जो दूसरा ग्रुप है इसी में मैंसुरेशन 2D भी आ जाता है, देखो मैंसुरेशन 2D भी इसी का भाई है, तीन ग्रुप। और चौथा ग्रुप क्या है, ओके ये पहला ग्रुप था आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। अच्छा ये बाकी अलग अलग मान लो, तो तीन ग्रुप तो ये हो गए, ये चौथा नंबर सिस्टम ले लो, पाँचवा मैंसुरेशन 3D ले लो, और इसको मैंने छठा ले लिया, तो छः ग्रुप इसके, छः ग्रुप उसके, 12 ग्रुप करने हैं बस, 31 चैप्टर नहीं 12 ग्रुप करने, 12 बच्चा, तभी तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, बहुत खतरनाक खतरनाक पोस्ट मिलेगी आपको, इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, MEA बनोगे, सेल टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, यूनिफॉर्म मिलेगी, CBI में जाओगे, ये सब का कैसे मिलेगी, इतना पढ़ना पड़ेगा, बहुत खतरनाक, और मेरा साथ देना पड़ेगा, बैंड बजा देंगे इसकी, ठीक है बैंड बजा देंगे बिल्कुल। हाँ जी बच्चा ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सर, वेरी गुड। चलो तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और अगर मैं हॉट टॉपिक की बात करूं, अरे यार मुंह में पानी आ जाए, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे मेरे मुंह में पानी आ जाए, मतलब मैं अगर ये बोलूं थोड़ा स्मार्ट वे में कि सर क्या ये एग्ज़ाम में कुछ ऐसे, मैं अभी मेरा फोकस है SSC CGL CHSL और CPO, इसमें कोई ऐसे
हैं चैप्टर जिसमें से 80% तक आज आपका सिलेबस आ जाता है टीयर वन में। क्या कोई ऐसे टॉपिक हैं हॉट टॉपिक? तो आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं है, आप पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, एलजेब्रा पढ़ लो, डीए पढ़ लो, परसेंटेज, ट्राइंगल, सर्किल, मैंसुरेशन, ये देखो कितने प्यारे, ये हॉट टॉपिक हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चा सब पसंद में आ रहा है। तो अब आज तो यार इंट्रोडक्शन तो अच्छा लगता है ना, जब सब बातें जान लें, जिस टॉपिक की पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सारे कहानी जान लें कि भाई अच्छा भाई कैसा है वो, दिखने में कैसा है और इसमें आगे हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए आज बिल्कुल हम कल से इसका धमाका करेंगे, बिल्कुल आज भी पढ़ेंगे, आज भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बिल्कुल आज भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आपको ये जो बताया कि हॉट टॉपिक है, बहुत ही प्यारे स्वीट स्वीट टॉपिक है, इसमें से तो आना ही है पर बाकी टॉपिक भी पढ़ना है। क्यों? सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन कब हो पाएगा? जब पूरे के पूरे पढ़ोगे। अरे वाह क्या बात है, चलो आ गया गौरव, थैंक यू सो मच। टीयर टू का कोई बैच है क्या? हाँ बच्चा, टीयर टू का बैच मैं एक खत्म करने वाला हूँ, दूसरा बैच है, अमित सर पढ़ा रहे हैं इसमें। ठीक है, हाँ जी चलो आ गया। चलो वेरी गुड, बिल्कुल आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बायलिंगुअल पढ़ाएंगे, मज़ेदार। चलो आपको कोई डाउट नहीं आता, इंग्लिश में पढ़ाना, पूरी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। तो ये जो है आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ अनुपात, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मेन टॉपिक है मैथ सीखने के लिए, एक तो रेशो आना चाहिए बहुत ज़रूरी, और दूसरा परसेंटेज आना चाहिए। ये दो टॉपिक से पूरा मैथ्स कवर हो जाता है। हाँ एडवांस अलग बात है, एडवांस तो बैंड बजाता है, एडवांस मतलब कॉन्सेप्ट, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं अर्थमेटिक और कुछ एडवांस के टॉपिक भी, एडवांस में भी ये रेशियो और परसेंटेज मिलने वाला है। तो ये दो तो ऐसे बेसिक टॉपिक हैं जो पूरी मैथ्स में बहुत ज़रूरी है। तो आज हम रेशो के बारे में पूरी कहानी जानेंगे, रेशो होता क्या है ना, रेशो होता क्या है ये आज थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके इतने धमाके। अच्छा साथ साथ मैं क्वेश्चन लेते हुए चलूंगा, साथ साथ सारे क्वेश्चन लेते चलूंगा। तो आज मैं टॉपिक से सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो आज टॉपिक से स्टार्ट करो। रेशो वैसे होता क्या? जैसे अगर रेशो की बात करें तो ये होती है वास्तविक नहीं होता, रेशो वास्तविक नहीं होता। ये बात, मैं हर बात के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और आगे काम आएगा, है ना। नॉट एक्चुअल, कोई भी रेशो कभी भी एक्चुअल नहीं होता, एक्चुअल उसको बनाया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेशो कभी एक्चुअल नहीं होता, उसको एक्चुअल में कन्वर्ट किया जाता है। रेशो को हम एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं, वास्तविक में, और किसकी हेल्प से करते हैं? इक्विवेलेंट, समतुल्य। बस यही पूरी कहानी है, आगे के 5 चैप्टर की यही कहानी है, रेशो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेज, मिक्सचर, एलिगेशन और इवन डीआई, डीआई में भी आएगा। इन सब 5-6 चैप्टर की कहानी क्या है? वास्तविक नहीं होता रेशो। बच्चों क्या होता है? तुलना होता है, रेशो इज कंपैरिजन, और इसको इक्विवेलेंट मेथड से गुणा किया जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समतुल्य। अच्छा ये सब कहानी क्या है मैं अभी बताता हूँ, कहानी में बताता हूँ अभी आपको, बिल्कुल ढंग से बताऊंगा, बिल्कुल ढंग से। अभी तो ऐसे लिख दिया, थोड़ी भारी भरकम चीजें लिख दी, पर आप डरना नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो अनुपात मतलब दो लोगों की तुलना करना, अनुपात मतलब क्या होता है? तुलना करना, अनुपात मतलब होता है कंपैरिजन। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे सब, कंपैरिजन होता है। कैसे? देख लो, जैसे एक है पैसे वाला बंदा, आह, और एक है बेचारा गरीब। और मैं ये बोलूं कि ये जो बंदा है ये इस गरीब से बहुत ज्यादा 15 गुना ज्यादा कमाता है, ये बंदा इससे 15 गुना ज्यादा कमाता है, 15 times more कमाता है। मतलब ये अगर 15 कमाता है तो ये बेचारा भीख है, भीख मांग के 1 कमाता है, ये मैं अगर बोल रहा हूं। देखो तो ये क्या है? ये है रेशो। बच्चों क्या है रेशो? रेशो मतलब क्या होता है? भाग देना। तुलना तो करना है पर कैसे? भाग देकर सर, भाग देना। अब भाग देना क्या होता है देखते हैं, डिवीजन, बाय डिवीजन। तो मैं एक अगर लाइन में बोलूं और आप लिखना चाहो अपनी कॉपी में तो लिख लो, अपनी कॉपी में सब लिख लें, पहले डेफिनेशन रेशो होता क्या, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, है ना। निकी पांडे, बच्चा मैं क्या करूं,
मुझे ऊपर से इन्फॉर्मेशन आई है तो मुझे बोला कि आज क्लास वन स्टार्ट करनी है, तो मैंने कर दी। हाँ बिल्कुल, जीरो स्टार्ट से, ठीक है। हाँ जी बच्चा, चलो चलो अब पढ़ाई में ध्यान दो। तो यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखें कंपैरिजन बिटवीन, टू पर्सन नहीं, हाँ टू पर्सन नहीं है सागर राणा, 3% भी हो सकते हैं, 4% भी हो सकते हैं, ठीक है। लिखो अपनी कॉपी में इंग्लिश में पहले रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटी बाय डिवीजन, कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटी बाय डिवीजन। भाग दे के राशियों की तुलना करना, भाग दे के राशियों की तुलना करना, ठीक है। अच्छा आप सुनो, अब मैंने क्या बोला कि ये बंदा 15 कमाता है और ये बंदा 1 कमाता है ना, इसका नाम है मिस्टर मनी आह, और ये है बेगर बेचारा भिखारी, इसका नाम है एम और इसका नाम है बी। तो आप ऐसा भी ले सकते हो कि सर इस प्रश्न में एम बटा बी बराबर दे रखा है 15/1, वाओ। मतलब रेशियो मतलब होता है भाग देना, 3 लोग होंगे तब भी ऐसे आ जाएगा, आप समझे। अच्छा ये तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है बच्चा, ये वाला पहला स्टेप वास्तविक नहीं होता, नहीं है वास्तविक, उसके बाद वो आपको देगा यहां पर है ना, यदि दोनों की कुल सैलरी, देखो अब ऐसे देगा, यदि दोनों की कुल सैलरी 80,000 है, अच्छा आजकल भिखारी भी कमा लेते हैं फॉरेन में, तो भिखारी भी कमा लेते हैं। अच्छा यदि दोनों के फॉरेनर है या डॉलर है इसके हाथ में, 80,000 है, तो अब आप बोलोगे सर अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट मेथड लगाना है जिससे ये वास्तव में बदल जाए। अब देखो ये 15 कमाता है तो ये कितना कमाता है, 1 कमाता है, दोनों कितना कमाते हैं 16, ये अनुपात है वास्तविक नहीं है, क्या है अनुपात। तो ये जो 16 है ना ये क्वेश्चन में 80,000 के बराबर है, तो आप देखो कैसे लिखोगे। अच्छा सर 16 अनुपात जो है ना सर प्रश्न में, अनुपात मतलब क्या होता है, रेशो, रेशो क्या होता है तुलना, एक्चुअल नहीं होता, ये 16 अनुपात है ना सर, ये है 80,000 के बराबर, सर ये 80,000 के बराबर है, तो सर 1 अनुपात किसके बराबर होगा, सर 16 से भाग दो 16 × 5 = 80, सर 5,000 रुपए को बता रहा है। अब जो पूछे तो अब इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, समतुल्य क्या होता है कि कितना रेशो कितने रुपए को बता रहा है उसको बोलते हैं समतुल्य। तो देखा जाए तो ये भी समतुल्य, पर समतुल्य अधिकतर हम कहते हैं कि 1 अनुपात किसके बराबर है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो बच्चों पूरी कहानी है इक्विवेलेंट की, ये 1:5,000 को बता रहा है, तो ये कितना कमा रहा है 5,000, 1:5,000 रुपए को बता रहा है, तो ये वास्तविक 5,000 कमा रहा है और ये 5,000 से गुणा कर दो, इसको 5,000 से गुणा कर दो, तो ये कितना कमा रहा है 75,000 कमा रहा है, ये 75,000 कमाता है, आप समझे क्या। तो रेशो कभी भी वास्तविक नहीं होता, उसको वास्तविक बनाया जाता है किससे, किससे बनाया जाता है वास्तविक, फॉर द गिवन क्वांटिटी, व्हाट इज द गिवन, टोटल सैलरी इज द 80,000, सो एड देम 15 + 1 कितना हो गया 16, रेशो में इतना हो गया, आ गया सबको समझ में, आपको आ रहा है समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अंजलि अरे वाह, अरे वाह, दर्शन यादव कहता है अंजलि आप बहुत क्यूट हैं, दर्शन बेटा आपके पापा से पूछेंगे एक बार, पापा को बताएंगे दर्शन क्या बात कर रहा है, पढ़ाई कर लो बच्चा, देखो ये रेशो कितना क्यूट है, देखो रेशो कितना क्यूट है, देखो कितना क्यूट है। आह अच्छा अब मैं आपसे से पूछूं कि बच्चा इसकी सैलरी, इसकी सैलरी का अब सुनना 5/3/7 गुना है, आप समझ में आया, इतना गुना है, और इनकी डिफरेंस, अब सुनना ध्यान से, डिफरेंस पूरा बेसिक पढ़ेंगे, बिटवीन सैलरी, डिफरेंस बिटवीन सैलरी इक्वल टू 1860 रुपीस, बताओगे कि इस एम बंदे की सैलरी क्या होगी, और ये कौन है भिखारी, बी वो मनी वाला है ये बी, तो कोई बता सकता है एम बंदा कितना कमाएगा, आंसर बताओ जल्दी, बताओ जल्दी से बताओ, एम बंदा कितना कमाएगा जल्दी से बताओ, रिपीट करो सर, बिल्कुल रिपीट करता हूँ, चलो रिपीट करता हूँ बच्चा, मैं कह रहा था कोई भी अनुपात इनके तुलना बताता है, तुलना मतलब क्या होता है भाग देना, तो आप देखो लिखो M और B, देखो M बराबर इसको थोड़ो अभी, अच्छा मैं और बताऊंगा, 7 × 5 = 36 × 37 = 38 आ गया नहीं आ गया, तो आप अपने प्रश्न में लिख सकते हो कि जो M है वो 38/7 गुना है किसका, B का सर। तो बच्चों यहां पे M बटा B क्या आ गया सर, M बटा B आ गया 38/7, अरे वाह माता प्रसाद पंडित कह रहे हैं सर आप बहुत क्यूट है ये अब सर को क्यूट कह रहा है, एक बच्चा बच्ची को क्यूट कह रहा था, चलो बहुत अच्छे बच्चा,
हाँ बच्चा अमन सिंह मैं ब्लैक बोर्ड से पक्का पढ़ाऊंगा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा थोड़ा सा रुक जाओ बस, है ना, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मैं ब्लैक बोर्ड से पढ़ाऊंगा जल्दी से, ठीक है। अच्छा देखो, तो मैथ्स में अगर ये चीज आ जाए, ये कैसे आया, ये लिखा हुआ है एम जो बंदा है उसकी सैलरी 38/7 गुना है बी की, तो मैंने क्या लिख दिया, एम बराबर 38/7 बी, वाओ लिख दिया, नहीं लिख दिया उससे भाग दे दो, क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा करने पे क्या आया, एम बटा बी बराबर इतना। इसको क्या लिखते हैं मैथ्स में, इसको लिखते हैं सर ये 38 कमाएगा तो सर ये 7 कमाएगा। अरे क्या क्वेश्चन है ये, सर इनका अंतर दे रखा है वास्तविक, वास्तविक में क्या दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है, तो आप भी अंतर निकालो, कितना आया 31 अंतर आया सर, पर ये रेशियो है सर, एक्चुअल नहीं होता, रेशियो एक्चुअल नहीं होता, इसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना पड़ता है, तो 31:186:0 के बराबर है। वाओ क्या मैथ्स है बाय गॉड, इसको कहते हैं दुनिया का सबसे प्यारा सब्जेक्ट। तो 1:1 किसके बराबर होगा, और सर 1860/31 सर 60 रुपीज के बराबर होगा। तो अगर मैं पूछूं कि एम कितना कमाएगा, तो सर इनटू 60, क्योंकि 1:60 को बता रहा है, तो 38 अनुपात इस प्रश्न में किसको बताएगा, जीरो। देखो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या कहलाता है, ये 1:60 को बताता है, इसको बोलते हैं समतुल्य। आपको तुलना करना है, क्योंकि रेशो कभी भी एक्चुअल नहीं होता, क्या होता है तुलना, कंपैरिजन। तो यू हैव टू मेक द सम इक्वेशन, सम रिलेशन बिटवीन द रेशो एंड द आर्स रुपीज, रेशो और रुपीज में कुछ ऐसे रिलेशन बनाना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि अच्छा इस प्रश्न में 1:60 को बता रहा है, तो 60 अनुपात किसको बताएगा, 0, 6, 8, 48 का 8, हंसी लगा 4, 6, 3, 18 और 4, 22, तो 2280 को बताएगा। आप आंसर क्यों नहीं बता रहे, आंसर क्यों नहीं बता रहे हो, अच्छा 2280 आंसर भी आया था आप लोगों का, बहुत प्यारे बच्चे हैं, अरे 450 बच्चे जुड़े हुए पर आंसर बहुत कम बच्चों का आया। तो देखें इस क्लास में सबसे पहला आंसर किसका आ गया था मेरे बच्चों, बता दो, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं रिपीट कर, मैं बहुत बार रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करना, मैं रिपीट करूंगा, ब्लैक बोर्ड से जल्दी पढ़ाऊंगा, अभी मैं थोड़ा जयपुर में हूँ। बिट्टू मंडल का आ गया था सबसे पहला आंसर, उसके बाद छोटू कुमार, देखो छोटू है पर कितना फास्ट आंसर दिया, रोहित शर्मा का आंसर आया, फिर एस के झा, फिर हैरी, सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है, वाओ कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप समझ रहे हो। चलो एक बार और, फिर जैसे मैंने बोला ए अनुपात बी 5:2 है, देखो मैंने बोला ए अनुपात बी 5:2 है, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा कि इनका इनका सुनो मैंने क्या लिखा, इनका सम, इनका सम है 2100, तो बताओ ए कितना होगा। तो क्या है इसमें, क्या है सर, ये रेशो एक्चुअल नहीं होता सर, 5 और 2 कितना है 7, तो 7 की वैल्यू दे रखी है सर, 7 की वैल्यू दे रखी है 2100, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 300, तो ए कितना होगा 5:5×300 बच्चों आया क्या, तो ये हो गया, मतलब ऐसे बच्चों वाली, आज तो बिल्कुल बच्चों वाली क्लास है, 1500 बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, 1500 रुपये, मतलब रेशो को एक्चुअल बनाना पड़ता है। अच्छा वैसे आप ये भी कह सकते हो इस प्रश्न में, सर ए और बी 5:2 है, तो ए को मैं मान सकता हूँ कि सर ए मेरा होगा 5x, ऐसा जो स्कूल में पढ़ते थे, और बी क्या होगा 2x, क्योंकि एक्स ही तो है इक्विवेलेंट, एक्स क्या है इक्विवेलेंट, जो हमें निकालना है, एक्स मतलब 1:1 की वैल्यू, आप समझे क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनो, ए और बी का अनुपात 5:2 है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा तो ए क्या है 5x, क्यों, क्योंकि x इक्विवेलेंट है, और b क्या है 2x, x इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बता सकते हो, हिम्मत हो तो बता देना, ठीक है, कि सम ऑफ दियर स्क्वायर, ए सब में ए निकालना है, दियर स्क्वायर, अच्छा अब आप बताएंगे प्लीज, आप बताएंगे, ठीक है, हाँ जी आप मुझे बताएंगे, सम ऑफ दियर स्क्वायर इज वन वन सिक्स डबल जीरो बाय गॉड, तो ए बताओ कितना है, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, मैं हिंदी में लिख दूं, यदि उनके वर्गों का योग, जल्दी से बताओ, बिल्कुल बेसिक है आज, वर्गों का योग, यदि उनके वर्गों का योग 1,16,000 है, तो ये बताओ जल्दी से बताओ, आंसर आंसर प्लीज, अरे आंसर तो बता दो मेरे प्यारे बच्चों। सर 5 का वर्ग करें क्या, 2 का वर्ग करें, नहीं यार यहां थोड़ा गड़बड़ है,
जैसे ही वर्ग करते हैं तो इनका इक्विवेलेंट भी डबल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो, बिल्कुल बेसिक से जाना है। जहां सीधा सीधा इक्विवेलेंट मेथड कब लगा देना है, जब सम की बात करें, घटाने की बात करें, तो सीधा इक्विवेलेंट मेथड लगा दो। और जहां पर वर्ग वर्ग कर दे तो वहां पर ध्यान रखना है, 5x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल बेसिक से जाना है स्कूल से, 25x स्क्वायर। मतलब कभी भी क्वेश्चन में रेशियो आ जाए 5:2 है, तो ए को मान लो 5x और बी को मान लो 2x। क्यों? क्योंकि वो इक्विवेलेंट ही तो ढूंढना है जो 1:1 के बराबर है। दूसरा, 2×2=4x², वेरी गुड। बताओ तो ये किसके बराबर हो गया? सर ये दे रखा है क्वेश्चन में 11600, वाओ सर ये 29x², तो x² इक्वल टू क्या हो गया, 11600 डिवाइडेड बाय सर 29 हो गया, और 29 से काट दिया, कितनी बार कटेगा क्या 29 से, 400 बार कट गया। तो x बराबर क्या हो गया सर, रूट निकालना है, रूट क्या होता है वर्गमूल, वर्गमूल कितना होगा 20 होगा सर, तो x की वैल्यू b हो गई। तो a की वैल्यू क्या होगी मेरा बच्चा, a है सर 5x, तो 5, ये बेसिक से करना है, ये वाला क्वेश्चन बेसिक से करना है, इसमें 5×10 100 आ जाएगा इसका आंसर। वाओ विकी सक्सेना बिल्कुल सही कहता है, वेरी गुड बच्चा। हाँ ठीक है, हाँ जी बच्चा, टाइम एंड वर्क बच्चा मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है ओके। तो बच्चा 100 होगा ना, 1000 कैसे बता रहे हो, अंकित दुबे बिल्कुल सही कहता है, आपको आ रहा है। मैं एक बार रिपीट करूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रश्न में, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको, किसी भी प्रश्न में अगर इन दोनों में कोई सीधा संबंध है तो वो अनुपात बताता है, मतलब अगर एक्चुअल नहीं हो तो क्या बताता है, वो अनुपात बताता है। अब इसको बताने के बहुत तरीके हैं, जैसे मैं चलो इसको ए मान लो, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो क्वेश्चन में क्या देगा कि सर ए अनुपात बी, या तो ऐसा दे देगा, ए अनुपात बी है 5:2, या तो ऐसा दे देगा, या प्रश्न में क्या देगा कि सर ए बटे बी है 5:2, ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, या प्रश्न में क्या दे देगा कि सर जो ए बंदा है ना वो बी से 5:2 टाइम से 4 इतना टाइम से बी का, ये भी सही है, ये भी वही तरीका है, है ना। या बोल देगा सर ए ए इज 2n 1/2 टाइम्स ऑफ बी, ये भी सही है। तो सब एक ही बात है, ये सब अनुपात है, क्योंकि कोई भी चीज वास्तविक को नहीं बता रहा। ये सब का मतलब क्या है, ये 5 कमाता है तो ये 2 कमाता है। अब इसमें कोई प्लस का संबंध दे दे, घटाने का संबंध, सब्ट्रैक्शन का संबंध दे दे, तो देखते टिक मारोगे। जैसे मैं बोलूं इन दोनों के सैलरी का डिफरेंस है 9000 रुपीज, इनकी सैलरी का डिफरेंस है 9000 रुपीज, अगर मैं आपसे ये बोलूं तो आपको अपने क्या करना है, 5 में से 2 को लेस करना है। कितना आया, 3 रेशो आया, और 3 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 9000 है सर, वेरी गुड। ऐसे करना है, देखो ऐसे करना है कोई भी क्वेश्चन। तो 1:1 की वैल्यू क्या होगी, 3 से 12 सर 3000 के बराबर। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आ गया कि इस पूरे प्रश्न में 1:3000 को बताएगा, तो 5:3000 कर दो तो ये 15000 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, जहां पर भी वर्ग वाला बात बोले, जैसे यहां पे स्क्वायर वाले बात करें, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्वायर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट की बात करें, देखो मैं बोल रहा हूं कि बोथ प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल, सुनो देखो सुनना से प्लीज, दोनों का गुणनफल है ना। अब मैं बोलूं आपको दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल, और वो दे रखा है आपको कि दोनों का गुणनफल दे रखा है आपको 1690। तो बताओ ए कितना होगा, बताओ बताओ ए कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट है 1690, तो ए कितना होगा। अब देखो जहां प्लस माइनस बोले वो तो सीधा देखते मार दो टिक, जहां पर भी वर्ग बोले, गुणा बोले, वहां ध्यान रखना कि जो इक्विवेलेंट है वो भी गुणा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विवेलेंट गुणा होता है, वो मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ये क्लास एसएससी एग्जाम में एग्जाम पर नहीं आ रही, अरे यार अच्छा खड़े होकर पढ़ाया कुंदन गर्ग बच्चा, अभी मैं ना कोरोना की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं यहाँ पे आया हूँ जयपुर बच्चा, मैं फिर खड़े होकर पढ़ाऊंगा पक्का, है ना। हाँ बस थोड़ा सा रुक जाओ, चलो हो गया। अब देखो यहां पर बोथ प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल, तो ये है 5x×2x=1690 है, तो ये हो गया x² = 1690/5×2, अरे तो 5×2=10 होता है, तो 0 से 0 कट गया, तो 169 आ गया। तो आपने ये बता दिया
ये देखो स्क्वायर आया, देखो गड़बड़ क्या है, जब भी प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो वर्ग करना है, मतलब प्रोडक्ट का क्वेश्चन में ध्यान रखना है इक्विलेंट भी गुणा हो जाता है, इक्विलेंट गुणा होकर एक्स स्क्वायर आ जाता है, ये देखो ये गलती नहीं करना है, घर पे देखना है इसको बिल्कुल। तो एक्स बराबर 13 आ गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू थी सर 5x, तो कितना आ गया 65 आ गया सर, वेरी गुड 65 आ गया, गुड गुड गुड, सबको आता है 65 आ गया। 845 क्यों बोल रहे हैं, अमृत यादव बिल्कुल, अभय नाथ शुक्ला वेरी गुड बच्चा, विवेक कुमार वेरी गुड, सब बच्चों को आ गया, अभिनय नाथ शुक्ला गुड 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 गुड, मोहम्मद सराफत वेरी गुड बच्चा, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है ना जी, चलो आ रहा है। तो आप देखेंगे ये है सर 5x, तो 5 × 13 x की वैल्यू पता ही है आपको, मुझे बताओ पहले इज देयर एनी डाउट। तो ऐसे क्वेश्चन करने कुछ भी आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है। अच्छा अब मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, अब ये काम के क्वेश्चन होंगे। देखो अब काम के क्वेश्चन कैसे होंगे, अब सुनना ध्यान से ठीक है। ये क्या कहते हैं कि अगर मैंने ए को और मैंने यदि बी को, दोनों को मैंने बढ़ा दिया, अब सुनना प्लीज स्टॉप राइटिंग, कोई लिखेगा नहीं, कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा ठीक है। अच्छा मैंने, इसने बोला कि सर इसको 40 बढ़ा दिया और इसको भी 40 बढ़ा दिया, इसको 40 बढ़ा दिया सर और इसको भी 40 बढ़ा दिया, तो सर इसके बाद इनका रेशियो बन जाता है 11:5। देखो मैं अगर ऐसे बोलता हूं ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन करके बताओगे मुझे एग्जाम में आए हुए, अगर मैं ए को भी 40 बढ़ा दूं और बी को भी 40 बढ़ा दूं तो वो बन जाते हैं 11:5। तो बताओ ए क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि ए है 5x और बी है 2x, इन दोनों को 10 बढ़ाया। चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मैंने अभी एक छोटे एग्जाम का क्वेश्चन लिया, एमटीएस का लिया है ठीक है। बोर्ड पे देखो टू नंबर, ये आगे की बात है, मैं रिपीट करूँ, पहला मैंने क्या पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक, रेशो कभी भी सेम नहीं होता, तुलना होती है। तो रेशो में या तो एक्स से गुणा करके स्कूल वाला मेथड करो, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर बोल रहे हैं कि दोनों का अंतर है तो फटाफट अंतर निकाल के कंपेयर कर दो, इक्विवेलेंट निकालो, दोनों का जोड़ दे रखा है कंपेयर करो, हाँ दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है तब ध्यान रखना वो डबल हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके गुणा करना ध्यान रखना। जैसे एक ये है बड़ा फेमस क्वेश्चन, तो ये अभी अगर देखा जाए तो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा मजा, टू नंबर एक है 5 और एक है 3, वाओ, इन दोनों को 9 सबट्रैक्ट किया, दोनों में 9 घटाया भाई, दोनों में 9 घटाया और ऐसा करने पर इनका अनुपात बन गया 9:5। तो पूछा है दोनों संख्याएं क्या है ठीक है। अच्छा बोलो 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 आंसर बताओ, उसको बाद में बताना, इसको बताओ। संजय कुमार जी पूछ लिया, कविता जी कैसे हो, बताएं क्या, एक चुन्नू कबाड़ी है, उसकी बेटी है झुमकी, जिसकी एक आंख खराब है और एक पे चलता नहीं है, है ना, उससे दहेज देके भी शादी नहीं होगी अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। मिलाऊं क्या फोन आपके पापा को, फोन नंबर तो है ही नहीं, इसलिए मस्त रहो, ऑनलाइन है आप तो, वेरी गुड। 45 और 27, तो दोनों संख्या क्या होगी, 45 और 27, क्या बात है, सबसे पहले आंसर दिया है हैरी, हैरी ने, रोक स्टार बच्चा मैं क्या करूं, मुझे आज फर्स्ट क्लास पढ़ानी थी, मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई वो मैंने कर दिया, आपका एक टाइप बचा हुआ है मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्लास का टाइम होगा 12 to 1, वेरी गुड। ये एस गुप्ता बच्चा मान लिया मैंने, सुन लिया आपका, संजीव सर का, संजीव सर की अलग क्यों, मिशन डिफेंस एग्जाम ठीक है, सुन लिया सबने ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, यहां पर कुछ अनुपात दे रखा है और इसको 9 घटाया और इसको 9 घटाया तो क्या बन गया नया अनुपात। देखो इसका मैं पहले बेसिक बता रहा हूं, सुनना आंसर आ गया आपका, मुझे बताया, पहले मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं, सीख लो बच्चा ये वाला क्वेश्चन तो हर साल आता है एग्जाम में कि दोनों में घटा दिया ठीक है। पहला बेसिक, रेशो कभी भी वास्तविक नहीं होता और इसको वास्तविक बनाते हैं कैसे, इक्विलेंट से गुणा करके। इक्विलेंट तो नहीं पता तो लिख दो 5x, ये इक्विलेंट ही तो है x, एक इक्विलेंट मतलब एक रेशो की वैल्यू। अब ये बन गया वास्तविक, ये भी बन गया वास्तविक, अब इसमें से 9 घटा सकते हैं बिल्कुल, 5x पहले नंबर में से 9 घटाया, बटे, बटे क्यों करते हैं, रेशो होता है डिवाइड करना, दूसरे नंबर में से 9 घटाया, बच्चा बेसिक सीखो पहले, उसके बाद शॉर्टकट सीखेंगे 9/5, वाओ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आते ही आपका आंसर आ गया ठीक है। चलो इसको करते हैं सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 25x
प्लस 5 से गुणा करो, देखो क्रॉस कैसे करो, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे करो, पांच टम 45 इक्वल टू नोतिया 27x माइनस 81 आ गया, वेरी गुड। 25 उस साइड जाएगा, कितना जाएगा 2x इक्वल टू 81, इधर जाएगा 81, इसमें से माइनस करो कितना आ गया 6 हो गया, 6 7 8 3 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा 18 हो गई, वेरी गुड। जब x 18 हो गया मतलब इक्वलेंट x 18 आ गया, ठीक है। अरे यार ये तो आंसर अलग आ रहा है मेरा बच्चा, ये बच्चा आंसर गलत क्यों बोल रहा था, 5 × 18 पहला नंबर होगा और 3 × 18 दूसरा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड हुआ और सारे बच्चों को आता है, मेरे प्यारे बच्चों को आता है, पर आंसर तो गलत बताया था आप लोगों ने, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर विकी सक्सेना ने बिल्कुल सही बताया था, सी इसका आंसर होगा, वेरी गुड। हरि किशन ने सही बताया था, विकी सक्सेना का आया था, हरि किशन का आया था, बी नहीं आएगा आंसर, सी आंसर आएगा, बी कौन बता रहा है, बी भी एक बच्चे ने बताया तो सब बी में लग गए, झुमकी राउंड पर है। कार्तिक सिंह का आ गया, वेरी गुड, 4527 नहीं आएगा, हरि किशन का आ गया, वेरी गुड, चलो चलो सब बच्चों ने कर लिया। अब मैं इसका बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, सुनो, ये तो हुआ इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड। बेसिक में किसी को डाउट हो तो लिख कर बताओ, टाइप करो, बेसिक में किसी को डाउट हो तो टाइप करो जल्दी से, बेसिक में डाउट है किसी को, नहीं है डाउट, गुड गुड गुड, बेसिक में डाउट नहीं। अब सुनो इसका शॉर्टकट, नाउ स्टॉप राइटिंग, कोई बच्चा नहीं लिखेगा, बोर्ड पे देखेगा, ओके okay, अब बोर्ड पे देखो, अगर पहला अनुपात आ जाए 5:3 और दूसरा अनुपात है 9:5 और दोनों को सेम क्वांटिटी में डिक्रीज किया है, तो आप मुझे बताओ अगर 9 में से 5 को लेस करूंगा तो कितना आएगा 4, और 3 में से 5 को लेस करूंगा तो कितना आएगा 2। अरे सर रेशियो वाइज तो ये गलत चीज है, क्यों, क्योंकि ये तो सर 4 लेस हो रहा है और ये 2 लेस हो रहा है, अगर ये दोनों सेम रिड्यूस होते तो अपना अपना इक्विवेलेंट मेथड लगा सकते थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो बात तो सुनो, ठीक है, मैं इस साइड आ जाऊँ थोड़ा सा, इधर आ जाता हूँ तो बहुत छोटा बोलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ, अरे वाह, ठीक है, आप सुनो मेरे बच्चों, कभी भी दो रेशो में सेम प्लस या माइनस करो तो आपको ये जो अब मैं बता रहा हूँ वो मेथड लगाना है, ये इक्विवेलेंट मेथड ही है। इक्विवेलेंट मतलब मैं चाहता हूँ कि दोनों रेशो का डिफरेंस सेम बना दूँ, पर इसमें तो सेम नहीं आ रहा, पहला तो आ रहा है, पहला क्या आ रहा है 5 से 9 हो रहा है मतलब 4 कम हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है 3 से 5 मतलब 2 कम हो रहा है, तो ये 4 और 2 सेम बनाना है, इसके लिए एक मेथड है, ध्यान देना, कोई भी दो रेशियो का डिफरेंस सेम बनाने का एक मेथड है मैथ्स में, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मेथड, तो है पर इक्विवेलेंट बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है बोर्ड पे देखो, ठीक है, आपको आता है मुझे पता है, मैं रिपीट करता हूं, ए आर द बेस्ट, मैं हूं टीचर, मुझसे मत पूछो ये सब बकवास बातें, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे पास क्लास का लिंक आया और मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचर, मेरे मैथ्स में कुछ कमी हो तो बोल दो, ठीक है, टेक्निकल बातें मुझसे नहीं करो। प्रभात सिंह राजपूत, बिल्कुल बच्चा राइट डायरेक्शन पे हम क्वेश्चन करेंगे आज। अब देखो इसका डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है 2, वाओ, फिर इसका डिफरेंस निकालना है कितना 4, बहुत शानदार, आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना है, इस डिफरेंस जो 2 आया और ये 4 आया, अगर इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हो तो करो, 2 से 1 बार 2 से 2 बार, वाओ। अब इस रेशो से दूसरे रेशो को गुणा करना है, सेकंड वाले डिफरेंस से पहले वाले रेशो को गुणा करना है, मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों किया, ये शॉर्टकट है, और 1 से इसको गुणा करना है, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिपीट करूं, देखो 5 में से 3 घटाया कितना है 2, 9 में से 5 घटा कितना है 4, इनको काटो कटता है तो 1 आ गया 2, तो इस 2 से 5 और 3 को गुणा करो कितना आया 10 और 6, देखो ये सीख लो ये मेथड, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, 2 संख्याओं में बराबर घटाना। अच्छा अब 1 से गुणा करो दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अब ये बन गया इक्विवेलेंट, ये रेशियो क्या बन गया बच्चा मेरा सुंदर बच्चा, बच्चा चिंता क्यों कर रहे हो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ना यार, रिपीट करता रहता हूं ना मैं तो, समतुल्य कहते हैं, समतुल्य क्यों हो गया बच्चा, ये कितना कम आ रहा है, 10 में से 9 घटाओ कितना आता है 1 आता है सर, बच्चा ये कितना आ रहा है 6 में से 5 घटाओ सर कितना आता है ये भी 1 आता है, अरे सर दोनों बराबर बराबर कम हो गए, दोनों क्या हो गए बराबर बराबर कम, और क्वेश्चन में जो 1 है ना अनुपात, देखो अनुपात भूलना नहीं है, ये सब अनुपात चल रहा है, 1 अनुपात जो है ना प्रश्न में वो वास्तविक में किसके बराबर है, वास्तव में सर वास्तव में ये 9 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों को 9 9 घटाया है ना, नया दोनों को 9 9 से, देखो दोनों को 9 से घटाया तो सर 1:9 के बराबर। अब जो पूछा जाए ये है प्रारंभिक रेशो इनिशियल फर्स्ट नंबर, ये है इनिशियल सेकंड नंबर, तो सर 10 रेशो की वैल्यू कितनी होगी सर 90,
10 × 9 1:9 आ गया, 1:9 के बराबर है, 10:90 के बराबर, तो पहला नंबर 90। और 6:, अरे सर 6 × 9 54, ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का एक इक्विवेलेंट मेथड। पहला क्या था? बेसिक मेथड, मैं रिपीट करूं बताओ। हाँ सर, ये बिल्कुल स्टार्ट से है, ये फ्री क्लास है, बिल्कुल स्टार्ट से टाइम एंड वर्क का हम सैटरडे को करेंगे एक लास्ट टाइप। आज मुझे सडनली इन्होंने मैसेज दिया, वो भी 1 घंटे पहले, है ना, 1 घंटे पहले। मेरी फॉल्ट है, मैसेज तो पहले आ गया था पर मैं देखा नहीं था ग्रुप में। ठीक है, चलो आ गया सबको, इज इट क्लियर? तो अच्छा, मैंने छुपा तो नहीं दिया पीछे, आ गया ना, इतना तो आ गया। एक क्वेश्चन और करके बताओगे? एक क्वेश्चन और करके बताओ। रिपीट अगेन, अच्छा रिपीट करता हूँ मैं, अगेन रिपीट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप जानो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको सामने जो दिख रहा है, जिस क्वेश्चन में कहता है कि पहला अनुपात है 5:3, तो इसका बेसिक बेसिक मेथड क्या है? आप फटाफट कर दो कि सर पहला नंबर है 5x, ये बेसिक मेथड भी अच्छा है, और दूसरा नंबर कौन है? 3x। ये बेसिक जानना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बेसिक मेथड जानना है। पहला नंबर 5x, x क्या है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब 1:1 की वैल्यू जो भी होगी वास्तविक, ये क्या है? वास्तविक की वैल्यू। अब ये क्या बन गया? वास्तविक बन गया सर, रेशो को x से गुणा करके वास्तविक बन जाता है, क्योंकि हमें तो वही तो ढूंढना है कि 1:1 कितने बराबर है। अब इसमें 9 घटाया, तो अब वास्तव में तो घटा दो, 5x में से 9 घटा दो सर, वाओ। और इसमें से भी 9 घटाया, और सर आपको पता है रेशो मतलब क्या होता है? भाग देना, तो भाग ही तो दे रहे हैं सर, 9/5। अरे ऐसा लिखो मैथ्स में या 9/5 लिखो, एक ही बात है। ये हुआ बेसिक मेथड, बस इसको क्रॉस गुणा करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर आ गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी? 18। और इसका VST शॉर्टकट देखते हैं, विकास सर टिप्स क्या है? विकास सर टिप्स कहती है कि सर 5:3 तो ऐसे लिख दो और 9:5 ऐसे लिख दो, पर प्रश्न में क्या दे रखा है? दोनों का डिफरेंस सेम बनाना है। पर यहाँ पे अगर हमने देखा, सबसे पहले चेक करना है आपको, है ना मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या चेक करना है कि सर इसका डिफरेंस तो 4 आ रहा है और इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो नहीं काम नहीं चलेगा, इनका सेम डिफरेंस बनाना है। तो इसका हॉरिजेंटल डिफरेंस ले लो, 5 में से 3 घटाओ कितना? 2, ये सीखना पड़ेगा। 9 में से 5 घटाओ कितना? 4। कुछ मेथड होते हैं ना, सीखना पड़ता है, 2 × 2 = 2, 2 × 4 शॉर्टकट तो सीखना पड़ता है। इस 2 से इन दोनों रेशियो को गुणा करना है, क्यों? हमें इक्विवेलेंट बनाना है, और इस 1 से इसको करना है, तो नया रेशियो आ गया सर 10 और 6 से बन गया 9 और 5। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट मेथड, क्यों? क्योंकि ये भी 1 कम हो गया और ये भी 1 कम हो गया, सर आपने तो बोला था दोनों को बराबर कम किया, तो यहां पे 1:9 के लिए 9 ऐसे करना है। अगला देख लें, अगला देख लें। हाँ हाँ बच्चा, SSC CGL की मैथ्स है, वाओ। SSC कांस्टेबल सब है SSC वैसे इसमें। मैंने देखो, मैंने जानबूझ के सारे एग्जाम के ले लिए। अब देखो, द नंबर आर इन द रेशियो 2:3, वाओ। दो संख्या है 2:3 में, इफ 50 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 50 एडेड, ओ माय गॉड। पहले वाले में 50 घटाया और दूसरे वाले में 50 जोड़ा। मैं आपको क्यों बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। तो नंबर नया रेशियो हो गया 1:4, तो बताओ फाइंड द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर। आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है। यदि पहली संख्या को 50 घटाया जाता है, अच्छा, और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाता है, अच्छा, तो उनका अनुपात 1:4 आ जाता है, तो बताओ वास्तविक संख्या का योग क्या है? योग बताना है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से कि क्या इन दोनों में मैथमेटिकल ऑपरेशन सेम है क्या? नहीं सर, यहाँ तो घटा रहे हैं और यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसका मतलब नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट मत लगाना, उलझ जाओगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नो शॉर्टकट। अब क्या करना है? बेसिक मेथड से करना है, वाओ। बेसिक का रोल समझ में आया? अगर बराबर बराबर घटाया जोड़ा तो इक्विवेलेंट मेथड लग जाएगा। तो बेसिक याद करो, बेसिक क्या कहता है? इसमें x से गुणा करो, ये वास्तविक बन गया, इससे x से करो, ये वास्तविक कर दिया। तो अब आप बोला है पहला नंबर में 50 घटाया, आप घटा दो, वाओ। फिर आपको बोला है वेरी गुड, अरे यार खतरनाक बच्चों की क्लास है, वेरी गुड, खतरनाक बच्चों की क्लास है। और आंसर आ गया नवीन नायक का सबसे पहले, फिर भागीरथ बारिक का 250, भागीरथ का, फिर अनिल पटेल, वेरी गुड बच्चा, आ गया आ गया आ गया। किरणजीत कौर का आया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे बिट्टू मंडल, वेरी गुड, 250। संध्या चौधरी, बहुत सारे प्यारे बच्चों का आ गया, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों का आ गया, अभी नाम सबका नहीं ले रहे हैं, अरे वाह। स्काई आकाश कुमार, नया बच्चा, मजा आएगा बच्चा, आप आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जुड़ो आप, और डेली मिलना 12 बजे। 3x + 50, और ये क्या होगा? 1/4 सर, 1/4 होगा सर। इसको इससे गुणा करो और इसको इससे करो तो काम चल जाएगा। तो आप बोलोगे सर 8x - 200 = 3x + 50, सर यहां से हो जाएगा 5x = 250। तो सर इससे हम बोलेंगे x = 50 हो गया, वाओ, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको क्या पूछा था? दोनों का योग मतलब
2x और 3x मतलब 5x पूछा था, क्या पूछा था दोनों का योग 5x पूछा था, तो क्या हो गया 5 इंटू पाई। अब आप बोलो सर शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, क्यों अलग घटाया इसलिए, अब समझ में आया क्या, मैं कहाँ पर हूँ पहले बताओ, मैं कहाँ पर हूँ, मैंने छुपा दिया पूरा, ओके मैं छोटा हो जाता हूँ और मैं इधर राइट में आ जाता हूँ। अच्छा बस थोड़ी दिन की बात है, मैं जल्दी से आपका जुगाड़ कर रहा हूँ बोर्ड का, ठीक है ये आ गया, फर्स्ट मेरा आंसर आया था अगेरा भागीरथ का, सबसे पहला आंसर आया था, वेरी गुड, धनंजय का आ गया, वेरी गुड, रोहित सिंह का भी आ गया था, बहुत सारे बच्चों का आ गया था। एक क्वेश्चन और बताओगे, चलो जाते जाते एक और बता दो, वाओ चलो बताओ जल्दी से, सब सब रेशो है बिल्कुल बेसिक, रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर, वाओ टेबल और चेयर की कॉस्ट, CHSL, अरे वाह, टेबल और चेयर की कॉस्ट है 9:4, कॉस्ट ऑफ टेबल इज 12, अरे देखो CHSL का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, 12:50 ज्यादा है कॉस्ट ऑफ चेयर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर, अरे ये क्या ज्यादा देख लो ना कितना है, देखो इक्विवेलेंट लगाओ यहाँ पे सीधा, 5:5 ज्यादा है जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है, और सर 1250, आंसर बताओ आंसर बताओ आंसर बताओ जल्दी से, एक रेशियो की वैल्यू आंसर बताओ 25 250, और पूछा क्या है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर, तो 4 रेशियो की वैल्यू पूछा है, बोलो जल्दी से आंसर, सी आंसर आ रहा है 800 आ रहा है क्या, 4 × 250, जो फटाफट हो जाए उसको फटाफट करो, 4 5 20 का 0 लगा 2 7 8 9 10, और इस और 1000 आ गया, अरे वाह सबसे पहले आंसर दिख रहा है मुझे अंकित दुबे का, आस्था ओमेर का, अंकित दुबे का आंसर बताओ पहले आया क्या, CHSL 10+2 का क्वेश्चन आपने कर लिया 5 सेकंड में, आ गया क्या 1000 1000 1000, वेरी गुड सब करवाएंगे कंप्लीट, रोहित शर्मा का आ गया आंसर, नीलम कुमारी का आ गया था ए आंसर, जतिन सिंह यादव का आ गया था, हरि किशन का आ गया था, एक और करके बताओ, चलो एक और करके बताओ जल्दी से, मजा नहीं आया, एक और क्वेश्चन, वाओ टीयर टू का क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे आप, बहुत खतरनाक टीयर टू का क्वेश्चन तो आपसे कैसे होगा, आप तो बहुत डर जाओगे, हिम्मत देखें चलो ऊपर लिखो हिम्मत, रिजवान वाह वाह, रिजवान हैज बॉक्स विच इज कैप्ड रेड एंड बॉल, अच्छा इसका एक बॉक्स में तो रेड बॉल है और इसमें ब्लू बॉल है, तो रेड मार्बल में ब्लू बॉल, अच्छा अनुपात दे दिया सर, तो अभी अनुपात है 5:4 आ गया, आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड बॉल, अच्छा 5 खो गया बेचारा, द रेशियो बिकम ओ माई गॉड 10:9 हो गया, बहुत शानदार, हाउ मेनी मार्बल डज ही, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से बताओ आंसर, आंसर बताओ इसका आंसर बताओ, इसका अगला का अगला का अगले का आंसर बताओ जल्दी से, बेसिक करने पहले बेसिक सब पूरे चैप्टर में बेसिक सीखना है, ए आंसर आ रहा है क्या, बेसिक सीखना है, बेसिक बेसिक क्या होता है, इसमें एक्स लगा दो ये बेसिक है, और पहले वाले को घटाओ 5x-5 और दूसरे वाले को ऐसे रख दो 4x, वाओ बेसिक भी आता है सर हमें तो बहुत सिंपल होती है मैथ्स 10/9, वाओ बेसिक क्यों बनाया, क्योंकि रेशियो कभी एक्चुअल नहीं होता, एक्चुअल बनाओ भाई, अब गुणा कर दे मेरा प्यारा बच्चा कितना हो गया 45x-45 = सर ये हो गया 40x, सही है क्या बच्चों, ये गलत तो नहीं हो रहा है, 5x = 45 और वाह एक्स बराबर कितना आ गया सर, एक्स बराबर हो गया 9, पूछा क्या है उसके पास अभी कितनी गेंदे हैं, तो अभी सर 9x की 9 वैल्यू आ गई, ठीक है मतलब इसके पास कितनी थी 9 की वैल्यू 45 और यहाँ पे 9 था ना 36 था सर, तो टोटल कितनी थी पहले 6 5 11 4 3 7 1 8, इसमें 5 और जोड़ लो सर, तो सर ये तो 86 हो गई सर, ये तो ऐसे ही है ओरल मैथ्स पर इसको फास्ट कर सकते हैं हम, ठीक है चलो अब है ना आज जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं उन्हीं को सीख लेना, आज जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को क्वेश्चन को सीख लेना, बाद वाली क्वेश्चन बाद में करेंगे, आप एक भी छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले आया था आनंद पांडे का आंसर, वेरी गुड बच्चा, उसके बाद आया था सत्यजीत मुखर्जी का, वेरी गुड, उसके बाद आया था आनंद पांडे का, अच्छा वही नाम है बार बार क्यों टाइप करते हो आप लोग, प्रशांत एग्जामपुरवासी का, राजकमल का, वेरी गुड, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हमें 2-4 क्वेश्चन और करके जाना है, जाने से पहले 2-4 क्वेश्चन और करके जाना, आ गया शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट बेसिक मैथ सबको आ गया, रिपीट करूं क्या, हाँ चलो रिपीट कर दूं नहीं करूं, शॉर्टकट रिपीट कर दूं, शॉर्टकट बताता हूं शॉर्टकट देखो, यहां लिखो रेड बॉल, यहां पे लिखो ब्लू बॉल, रेड ये है 5:4, अब सुनो शॉर्टकट देखो बहुत प्यारा VST इक्विवेलेंट मेथड, देखो ये बॉल 5 खो गया बेचारा और बन गया 10:9, अच्छा ये बताओ कौन सा रेशो बदला, रेड का बदला, और कौन सा नहीं बदला, ब्लू नहीं बदला, कौन सा रेशो बदला, रेड बदला, और कौन सा नहीं बदला, ब्लू नहीं बदला, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो पूरा ध्यान से, अच्छा अरे यार टाइम हो गया क्या क्लास का, अच्छा बच्चों क्लास का टाइम हो गया तो आप पहले ये वाला क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ठीक है सब बच्चे लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे।
81 होगा, नाउ पूछा है। अच्छा नाउ पूछा है क्या, चलो देखते हैं बेसिक, रिपीट करता हूँ मैं, रिपीट करता हूँ बेसिक। अच्छा देखो वीएसटी देखते हैं पहले, विकास सर्टिफ देखते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में एक रेशियो को बदले और दूसरे को नहीं बदले तो इसको सेम बनाना है, क्योंकि इसको क्या बनाना है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या कहता है, ये नहीं बदलना है। अब आप बोलो सर बदलेंगे मतलब, अरे बच्चा कोई भी रेशियो क्या होता है, भाग देना। रेशियो क्या होता है, भाग देना। तो आप इस पूरे रेशियो को तो 9 से गुणा करो उल्टा फुल्टा, और इसको करो 4 से। उसके बाद देखो नया रेशियो लिख कर देखते हैं, देखो मजा आएगा, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 आया। आप किसी भी रेशियो में दोनों नंबर को अगर गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो तो होता है भाग देना। अगर मैंने इसको 45 और 36 लिख भी दिया, वापस काटूंगा तो वही आएगा 5 और 4, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 40। पर हमें इक्विवेलेंट मेथड करना है, इसके लिए करना पड़ेगा। 40 और क्या हो गया 36, वाओ, ठीक है। हाउ मेनी मार्बल डच ही हैव नाउ। अब देखो आपने बी को सेम बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि बी को थोड़ी बदला है। अब ये बन गया इक्विवेलेंट, वाओ क्या मैथ है। देखो किसी भी क्वेश्चन में बोले कि दोनों को बराबर बराबर में जोड़ा है तो दोनों के रेशियो को सेम बना लो। किसी भी क्वेश्चन में बोले कि सिर्फ एक को बदला है तो दूसरे को सेम बना लो। आप समझे क्या, अब आप इक्विवेलेंट लगाओ कि सर 45 से 40 हो गया, मतलब 5 रेशियो सर हो गया, तो 5 रेशियो की वैल्यू इत्तफाक से सेम है, 5 बॉल के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब इसमें जो आया वो सब सेम सेम है। तो लास्ट में इसके पास कितनी बॉल रह गई, 76 बॉल रह गई सर। अरे यार 76 आंसर आ रहा है, मैंने गलती कर दिया था बेसिक से। आंसर क्या रहा है, 76, वेरी गुड। चलो चलो बिल्कुल मैंने गलत कर दिया था, टुनू लाल का आंसर आ रहा है, टुनू लाल का आ रहा है, शंभू कुमार का आ रहा है। अच्छा वो घटाना था हमने जोड़ दिया था, 5 घटाना था हमने जोड़ दिया था। मैं बेसिक एक बार रिपीट करता हूँ, सुनो मजा आया नहीं आया, चलो एक बार मैं बेसिक वापस से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक बार मैं बेसिक रिपीट करता हूँ, देखो रेड और ब्लू गेंद थी। अच्छा हमने वो जो गलती से घटाने की जगह जोड़ दिया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी सही कर देते हैं। 5 बॉल चली गई और रेशियो हो गया 10:9। इसका बेसिक मैथड सुनो, ध्यान से सुनना, मैं लास्ट बता रहा हूँ, फिर टाइम हो गया बच्चों क्लास का, कल करेंगे फिर। टाइम है बच्चा 12 बजे का, है ना। इसमें लगाओ एक्स, क्यों लगाओ, क्योंकि रेशियो कभी वास्तविक नहीं होता। तो आप बोलोगे सर इसमें 5 घटाना है, क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें कुछ नहीं घटाना है, और ऐसा करने पे क्या है, इनको भाग दोगे तो क्या आएगा, 10/9। अरे रेशियो मतलब होता है भाग देना, तो लगाओ 45x - 45=40x। अब तो सॉल्व कर लोगे घर पे, 5x बराबर आ गया 45, तो सर x बराबर हो गया 9, तो x की वैल्यू 9 रख दो इसमें। तो पहले वाली बॉल कितनी हो गई, 9 रखते ही 45, 9 पंजे 45 और 9 रखते क्या हो गया, 36 हो गया। दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 6 और 5 11, 4 3 7, 81 आ गया सर। तो 81 तो आ गया, अब इससे 5 खो गया था तो 5 घटा दो, मैंने घटाया नहीं था इसलिए वो आ रहा था गलती से, 76 इसका आंसर है। आपने भी वही गलती करी जो मैंने की, आ गया बच्चे को। चलो अब आप मुझे बता दें जो भी बात पूछना हो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अब मैं आपकी बात सुन लेता हूँ फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। राजा आलम सर प्लीज़ बताएं कि बीएससी में कैलकुलेटर यूज होता है क्या, और होना होता है तो एग्जाम में लेकर जाने के लिए अलाउ होता है या नहीं, प्लीज़ बताएं। बच्चा बीएससी अलग अलग चीज़ें होती है ना, बीएससी में तो नहीं होता पर इंजीनियरिंग में होता है। अगर बीएससी कुछ इंजीनियरिंग में कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन में कर रहे हो, तो अलग बात होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग में अलाउड होता है, बीएससी में नहीं होता। बाकी तो आपको देखना ना, आप आपकी यूनिवर्सिटी ने अलाउड कर दिया तो आप मुझे क्या पता, हमारे ज़माने के बाद बता रहा हूँ। चार्ट कैसे मिलेंगे, बिट्टू मंडप बिल्कुल मिल जाएगा बच्चा, बुक के साथ मिल जाएगा सर, प्लीज़ बताएं। हाँ जी राजालम का आंसर हो गया, और कुछ पूछना चाहते हैं। चलो बच्चा थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा लाइक देने के लिए। आज इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस कराओगे, बिल्कुल करवाएंगे मेरा बच्चा, बिल्कुल करवाएंगे। बेसिक से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आनंद पांडे, मजा आएगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। बीएससी में कैलकुलेटर अलाउड है, अच्छा इस बार हो गया, उस समय हमारे नहीं था, आपके हो गया, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आ गया, थैंक यू। शुभम त्यागी, रवि यादव, आशीष राज, रजनीश, सब बच्चा, बाय मेरा बच्चा, बहुत ध्यान रखना। मजा आया नहीं मजा आया, चलो ध्यान देना मेरे साथ, चलो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे साथ में। हम सब टीचर्स ने, एसएससी ने एक धमाकेदार एग्जाम पर क्लास स्टार्ट की है, तो हम और बहुत सारी क्लासेस आपको देंगे, ठीक है। रखें बच्चा, दादाजी बाय, रजनीश को बाय, पाया शर्मा थैंक यू, ओके बच्चा वेलकम बच्चा मेरा, मैंसर आ गया तब संदीप का आंसर आ गया था, वेरी गुड। रखूं बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। अच्छा मैं पहले बता रहा हूँ, आपका जो भी कुछ भी लॉस हुआ है मैं लॉस नहीं होने दूंगा। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, टाइम एंड वर्क का अगर थोड़ा सा लॉस दिख रहा है तो उसको मैं कैसे भी करवाऊंगा कंप्लीट, ओके। चलो बच्चे बाय, थैंक यू सो मच, और जुड़े रहे, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, और हम बजाएंगे बैंड मैथ्स की, अगर आपका मेरे साथ रहा तो, ठीक है। साथ रहो, मचा देंगे और सिलेक्शन लेकर आएंगे, डरना नहीं है, और जल्द से नाम रोशन करो खुद का,
मम्मी पापा का, मेरा और एग्जाम्पल का। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चा।